राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम तीनों फ्रेंड आज गरवे देखने आए हैं। वैसे तो घर के कामों से और घर की जो झंझावात हैं उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती, पर आज जो है यहाँ मंदिर में विशेष रूप से आए हैं इसलिए कि आज काली माता जी का डांस होगा, तो वो हम लोग देखने आए हैं। तो पहले हम लोग गरबे देख रहे हैं, बच्चों के गरबे, और बहुत सारे ग्रुप हैं जो छोटे से लेके बड़ी बालिकाएं जो हैं गरबे करती हैं और बहुत ही बढ़िया करती हैं। तो हम लोग हर साल यहाँ पशुपतिनाथ के मंदिर में आते हैं। आप देख रहे होंगे काली जी का डांस है और काली काली महाकाली ये वाला गाना चल रहा है। कॉपीराइट लग जाएगा इसीलिए मैं शेयर नहीं कर सकती आपके साथ, लेकिन इतना मंत्रमुग्ध ये नृत्य होता है काली जी का, एकदम बांध के एकदम रोंगटे खड़े करने वाला। बच्चे तो छोटे छोटे डर ही जाते हैं। तो मैं तो खैर 3-4 बार देख चुकी हूँ, हर साल यहाँ मंदिर में पंचमी या फिर सप्तमी को होता ही है। तो हम लोग काली जी के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने, गर्वों का आनंद लेने आए हैं। इन दिनों हमारे यहाँ गरवे की बहुत धूम है, हर गली हर जगह जो है गरवे हो रहे हैं। अब ये ए वन नाम का ग्रुप आया है जिसमें सब बड़ी बालिकाएं हैं, बहुत ही सुंदर डांस करती हैं। हर एक गाने पे इनका जो गरबा है बहुत अलग अलग थीम में अलग अलग तरीके से होता है। तो ये गाना जो है आपने सुना होगा कि गौरा रानी जो है भोलेनाथ से शिकायत कर रही हैं कि तुमने भांग क्यों पी है, अब मैं भी भांग पीऊँगी। तो उसी गाने का ये जो है डांस चल रहा है, बहुत ही बढ़िया लड़कियों ने किया था और अब ये फिर से छोटी छोटी लड़कियाँ आ गई हैं डांस करने के लिए, गरबा करने के लिए। सभी अलग अलग थीम में, महाराष्ट्रियन लुक है किसी का रजवाड़ी राजस्थानी लुक है, और माता का रूप ले धरती हुई बहुत ही बढ़िया नृत्य करती हैं लड़कियां। और यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है पशुपतिनाथ मंदिर में, तो हम लोग भी पहुँच गए थे। मैंने आपको नवरात्रि के जो वीडियोस हैं पूजा करते हुए या माता को विराजते हुए स्थापना करते हुए नहीं दिखा पाया, क्योंकि जो है मैं पूजा करने लायक ही नहीं थी दोस्तों। तो मैंने फिर जो है कुछ भी वीडियो शूट नहीं करे, फिर मन जो है थोड़ा ख़राब हो जाता है इसीलिए। तो मैं नवमी की पूजा आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बाकी मैं गरवे वगैरह तो देखने आ ही रही हूँ और गरवे करूँगी भी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी दोस्तों। ये नेक्स्ट डे की शाम की वीडियो क्लिप है। लक्ष्य को बहुत तेज फीवर आ रहा है। लक्ष्य स्कूल से जैसे ही आए वैसे इन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए और आते से ही सो गए थे, तो इनको बहुत फीवर आ रहा है। गाइस इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और बच्चे चले गए कोचिंग के, लक्ष्य सो रहे हैं इस समय। वैसे तो दिया बत्ती का समय है, भगवान की पूजा का समय है, तो लेकिन लक्ष्य इस समय इसलिए सो रहा है कि लक्ष्य को तेज फीवर आ रहा है। इस समय ऐसा मौसम ही चल रहा है कि बच्चों को फीवर आ रहा है, लोगों के पैर दुख रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, एक चिकनगुनिया फिर से वो फैल रहा है ऐसा सुन रहे हैं। तो इसी में लक्ष्य को जो है फीवर भी आ गया है, और लक्ष्य अभी 2-3 दिन पहले स्लैब पे चढ़ रहे होंगे तो वहाँ से गिर भी गए थे, तो उनकी कमर में थोड़ी चोट भी लग गई थी। उसके बाद से जो है आज लक्ष्य स्कूल में बोलते कि मम्मा आप लेने आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी इतनी मजबूरी होती है कि क्या बताएं, इनके लिए ऑटो लगा रखी है जाने में, तो मैं लेके जाती हूँ सुबह 7:30 बजे, लेकिन आने में जो है इनके लिए ऑटो लगा रखी है, तो ऑटो से ये घर आ जाते हैं। तो आज वहाँ स्कूल से फ़ोन आया कि मम्मा आप ही लेने आओ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ आ जाओ। इतनी मजबूरी, इतना कष्ट होए, क्योंकि मैं उस समय स्कूल में थी, स्कूल से कैसे जा सकती थी, और मैं ऐसा करूँगी तो बाकी टीचर्स के तो भी तो बच्चे हैं, बाकी टीचर्स भी तो हैं, और एक दिन की बात हो तो एक दिन मेरे साथ ऐसा हो भी जाए, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं अच्छा लगता। आज लक्ष्मी से नाराज़ हो गए, बोले आप लेने नहीं आए, आज मेरा मन था कि आप लेने आओ। और इन्होंने पता क्या किया, जो जानबूझ के जो है ऑटो वाले के पास ही नहीं गए, वो ढूंढता रहा होगा इनको, फिर वो अपनी ऑटो लेके आ गया होगा, और ये जानबूझ के ऑटो वाले के पास नहीं गए। उसके बाद जो है मैंने उसको फ़ोन लगाया कि भैया आप गए नहीं, बच्चा स्कूल में अकेला है, तो बोलते मैं तो गया था और मैं रुका भी रहा, पर ये जो है दिखे नहीं मेरे को। कभी कभी अपना काम भी बहुत अजीब सा हो जाता है कि क्या करें, मजबूरी है, हमें भी काम करना है और जो है लक्ष्य को पढ़ने भी जाना है, सारी चीज़ें सब मैनेज करना है। और जब मैं स्कूल से वापस आई, जब ये ऑटो वाले के साथ आ गए होंगे,
स्कूल से वापस आई तो इनको बहुत तेज फीवर था, और देखो इनको अब तेज फीवर है, तो अब मैं इनको जो है लेके डॉक्टर के पास जाऊंगी, वहां पर जो है इंजेक्शन वगैरह लगवाऊंगी, क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और जो है मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ दोस्तों, तुरंत मेरे आंसू भर आते हैं, तो जो है इनको दिखा के लाते हैं डॉक्टर को, और दवा वगैरह मेडिसिन वगैरह दिलवाते हैं तो ठीक हो जाएंगे। और भी त्यौहार भी आ रहे हैं, अष्टमी नवमी दशहरा, वो सब भी इंजॉय करना है इनको, तो जिनको जल्दी ठीक करते हैं। इस समय रात का खाना चल रहा है दोस्तों, 8:30 हो रहे हैं, और खाना खिलाने के बाद जो है डॉक्टर के पास भी जाना है। लक्ष्मी पापा बोलते हैं कि आलू के पराठे सेक लो, तो जो हस्बैंड खाए जो उन्हें अच्छा लगे तो वही बनाना तो पड़ेगा ही, वैसे तो दाल चावल ही बनता है ज़्यादातर, तो मैं आलू के पराठे सेक दे रही हूँ, वो भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, और उसके बाद फिर लक्ष्य को लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, एक इंजेक्शन लगवा देंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे। और मुझे उनके पास ही जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंजेक्शन लगा देते हैं, और लक्ष्य दवा गोली खाने में बहुत नाटक करते हैं, बचपन से ही इनका ये नाटक मैंने देखा है, मुंह बंद कर लेते, घंटों तक खोलते ही नहीं थे, दवाई गोली खाने में बहुत ही इनका नाटक रहता है। आप बताइएगा दोस्तों कि कोई तरीका हो गोली दवाई खिलाने का, कितने बड़े हो गए हैं ये, अभी भी बहुत ड्रामा करते हैं। इनके पापा एक तरफ शक्कर का डिब्बा लेके बैठ जाते हैं, एक तरफ ग्लास भर लोटा भर पानी भर के लेके बैठ जाते हैं, इतनी मुश्किलों से लक्ष्य, बार बार उल्टी जैसा लगता है इनको, बार बार उल्टी जैसा लगता है, ये गोली दवाई तो बिल्कुल खाते ही नहीं है, कोई तरीका हो तो बताना ज़रूर दोस्तों। हम लोग निकल चुके हैं घर से हॉस्पिटल के लिए, बस ये दुआ कर रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ज़्यादा पेशेंट ना हो, जल्दी काम हो जाए, क्योंकि बच्चा कब तक बैठा रहेगा, उसको भी दिक्कत हो रही है। तो आप देख रहे होंगे मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल, हम लोगों ने पर्चा लगा दिया है, हमारा 29 नंबर है, 129 जब हमारी स्लिप जाएगी अंदर तो फिर डॉक्टर हमें भी बुलाएंगे। उसके बाद देख रहे होंगे आपके लक्ष्य की जांच हो रही है, चेकअप हो रहा है, अब इंजेक्शन का बोला है डॉक्टर ने, तो इनके इंजेक्शन लगा दिया गया है। 10:30 बज रहे हैं रात के, अब मैं आ गई हूँ घर। घर आप देख रहे होंगे बर्तन में ऐसे छोड़ के चली गई थी, ये सारा कुछ फैला पड़ा है, अब मैं निपटाऊँगी इसको भी, और अपना अंदर जो कमरे का जो फैलारा पड़ा है उसे भी निपटाऊंगी। नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है दोस्तों, आज हम स्कूल आए हैं लक्ष्य की पीटीएम थी, लक्ष्य ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए हैं, तो जो है CBSE बोर्ड में जाना MP बोर्ड से, और इतना अच्छा गेन करना अच्छी बात है, और बहुत बधाई की बात है लक्ष्य के लिए। लक्ष्य ने ये चेरी वाली मिठाई मांगी है, मैंने पूछा कि फ्रेश तो है ना, तो बोलते हैं हाँ हाँ अच्छी है, तो लक्ष्य के लिए एक पीस हम लोगों ने चेरी वाला लिया था, और ये नाश्ते में जलेबी और पोहा खा रहे हैं हम लोग। बाय बाय।